थपकी थपकी प्यार की। सच बताओ, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? कैसे दादी माँ? आई थिंक ऊपर का वजन बहुत भारी हो गया होगा, इसलिए गिर गई। माँ आप ठीक तो है ना? सुबह तुम्हें क्या हुआ? हो जाता माँ जी, माता रानी की मूर्ति मुझ पर गिरने वाली थी। अगर थपकी ने अपनी जान पर खेल कर मुझे नहीं बचाया होता तो और अगर इसे कुछ हो जाता तो चाकू राखे माता रानी मार सके ना कोई। बेटा मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। देखो ना थपकी ने तुम्हें बचाया, पर थपकी को माता रानी के त्रिशूल ने वो मारा नहीं। जान बचाई है इस गुड़िया की उसने। अब तो ये थपकी को अपने सर पे बैठा के रखेगी। थपकी तुम्हारे हाथ में तो चोट लगी है, दवाई लगाएं। चलो जल्दी। मैं ठीक हूँ, मैं अपने आप ऊपर जाके अभी दवाई लगाएं। लेकिन माँ अपने आप लगाओ अभी फौरन जाओ। जी
बहुत अच्छा फैसला किया आप लोगों ने। पूरे 10 लाख हैं, गिन लीजिए। बहुत मुश्किल से मनाया मैंने अपने सीनियर्स को। अब मेरा मैच थोड़ा ऊपर नीचे, तो पापा आप ही गिन लो। वैसे सरकारी रुपयों को गिनने की क्या जरूरत है, लेकिन फिर भी आप अपनी तसल्ली कर लीजिए। और जब तक आप दिवाकर मिश्रा इन कागजात पर साइन करिए, उसके बाद ये घर सरकार का हो जाएगा। ये लीजिए, करोड़ों का घर सिर्फ 10 लाख में दे रहा हूं, सरकार को दान दिया ये समझ के रख लो। दिवाकर, दान अपनी चीजों का किया जाता है, चुराई हुई चीजों का नहीं। आप लोग, जी हाँ, तुम्हारे लिए तो यही सरकार है। और अभी ये घर तुमने इन्हीं के नाम तो किया है। इस घर के असली मालिक पहले भी हम ही थे और अब फिर हम ही हैं। निर्मल, ये लो दीदी, तुम्हारे घर के पेपर्स। मतलब ये सच में कोई ऑफिसर नहीं है? ये एक एक्टर है और मेरे दोस्त। ये सब इन्होंने मेरे कहने पर किया। जैसे तुमने धोखे से हमारा घर हम ही से हथिया लिया, ठीक उसी तरह धोखे से हमने अपना घर तुमसे वापस ले लिया, तो हुआ ना हिसाब बराबर। तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो हम उसकी इज्जत बचाने के लिए भी वही करते। वो हमने जो तुम्हारी मदद की, जानती हूँ भैया, वो मदद तुम किसी भी लड़की की करती।